लगातार चुनावी हार से हल्कान कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने के लिए शुक्रवार से उदयपुर में 3 दिन तक मंथन करेगी। इस दौरान जरूरी संगठनात्मक बदलाव के साथ मौजूदा सियासी हालत समेत विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का कारगर ढंग से मुकाबला करने और आने वाले विधानसभा एवं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार करने पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें, उदयपुर में 13 से 15 मई को होने जा रहे इस चिंतन शिविर के बाद जो नव संकल्प दस्तावेज जारी होगा वह आगे के कदमों की घोषणा होगी। सूत्रों की माने तो इस शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष के स्तर पर बदलाव को लेकर शायद ही चर्चा हो, क्योंकि इसके चुनाव की घोषणा पहले ही हो चुकी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक चिंतन शिविर में राजनीति, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, संगठन, किसान एवं कृषि तथा युवाओं से जुड़े विषयों पर 6 अलग अलग समूहों में 430 नेता चर्चा करेंगे, यानी हर समूह में करीब 70 नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर से जो निष्कर्ष निकलेगा वह कांग्रेस को न सिर्फ मौजूदा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से उबार एक नई दिशा देगा, बल्कि भारत के गौरवशाली भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इसके बाद 6 अलग अलग समूहों में नेतागण चर्चा करेंगे और फिर इससे निकले निष्कर्ष को नव संकल्प के रूप में कांग्रेस कार्य समिति 15 मई को मंजूरी देगी। राहुल गांधी 15 मई को शिविर को संबोधित करेंगे। शिविर शामिल होने के लिए राहुल गांधी वीरवार को ट्रेन से उदयपुर के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।